तो आज हम लेके आ चुके हैं कुछ अपकमिंग फोन्स जो शायद सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे लिस्ट में नंबर वन में है Redmi Note 8। तो Redmi Note 8 में आपको MediaTek Helio G690 का प्रोसेसर मिलता है जो एक नया प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से। तो MediaTek ये भी क्लेम करता है कि ये जो प्रोसेसर होने वाला है 730 से भी अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब Snapdragon 730 जो प्रोसेसर है उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगा। और इसमें हमें शायद 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको 4500mAh का बैटरी भी देखने को मिल सकता है। और इसका कैमरे की बात करें तो Redmi की तरफ से या फिर बोले कि Xiaomi की तरफ से ये पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको 64MP का कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पीछे में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें जो मेन सेंसर होगा वो होगा 64MP कैमरे का। और इसका प्राइस हमें लगता है कि लगभग आपका 15,000 या 20,000 के बीच में होगा। तो यहाँ पर कुछ लीक्स की बात करें तो यहाँ Redmi Note 8 का पिक्चर्स जो लीक हुए हैं तो इसमें देख के लग रहा है कि आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट पीछे दिया गया है। और पीछे फिंगरप्रिंट देने की वजह से हमें लग रहा है कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको शायद IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये Xiaomi की तरफ से प्राइस कटिंग किया गया है जिससे कि इस फोन का बजट थोड़ा सा मतलब लो किया जाए जिससे हर कोई अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर Realme भी कैसे पीछे रहे, ये लोग भी तो पीछे आएंगे ना। तो यहाँ पर Redmi और Realme के बीच अभी एक बहुत ही घमासान लड़ाई चल रहा है कि कौन सबसे पहले 64MP कैमरा लॉन्च करे। तो यहाँ पर Realme X3 ने भी 64MP का ऐलान कर दिया। तो इसमें आपको पीछे में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, मतलब चार कैमरा पीछे और उसके साथ आपको एक मेन सेंसर मिलेगा जो होगा 64MP का। तो हमें ऐसा लगता है कि 2018 से 2019 के बीच तक आपको जैसे एक 48MP का एक रैली देखने को मिल रहा था और इस बार 2019 के लास्ट से 2020 तक हमें लग रहा है कि 64MP का रैली चलेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है क्योंकि ऐसा कंपटीशन होने से हमें बजट रेंज में 64MP कैमरे का सेंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको पता है कि 48MP कैमरा आजकल आपको 15,000 के आसपास के फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे लिस्ट में नंबर टू में है iPhone 11। तो iPhone 11 का मैं क्या बात करूँ, इस बार तो मुझे लग रहा है कि iPhone 11 खरीदने के लिए आपको दोनों ही किडनीज बेचने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगले बार जो हुआ था iPhone 10 जब लॉन्च हुआ था उसका स्टार्टिंग प्राइस था लगभग 1,00,000 रुपया। तो इस बार तो अगर iPhone 11 इंडिया में लॉन्च किया ना तो लगभग मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस 1,00,000 से तो ज़्यादा हो गई। तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको दोनों ही किडनीज बेच के इस फ़ोन को खरीदने पड़ेंगे। और जो स्पेशल चीज़ है वो है कि कुछ दिनों पहले जो आपको लीक्स मिले थे आईफोन 11 के, तो जो डिज़ाइन था मतलब जो कैमरा बम्प और ऊपर से जो कैमरा केसिंग आईफोन 11 में हमें देखने को मिलेगा, मुझे इसका डिज़ाइन बिल्कुल बकवास लगा। पीछे का जो आईफोन का डिज़ाइन है पूरा ख़राब हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को ये डिज़ाइन उतना पसंद होगा। तो ये स्क्वायर टाइप का डिज़ाइन होने का एक ही कारण है क्योंकि इसमें आपको पीछे में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको जो नॉच पिछले बार देखने को मिला था आईफोन 10 में, सेम नॉच यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल भी आपको डिस्प्ले में इतने बड़े नॉच देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कितने लोगों को मतलब ये पसंद होगा क्योंकि हमें जैसे पता है कि हर साल कोई अगर कंपनी फ़ोन लॉन्च करता है वो भी इतने प्राइस रेंज में, तो वो लोग चाहेंगे कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिले। तो खैर क्या बोले, वही नॉच होने के वजह से असल में आपको सेम वही सेंसर देखने को मिलेंगे। तो पता नहीं अगर एप्पल कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करता है तो देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे हमारे तीसरे अपकमिंग फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अपकमिंग फ़ोन है Honor 9X और 9X Pro। तो Honor 9X में आपको Kirin 810 का प्रोसेसर मिलता है और इसी के साथ आपको पीछे में 48MP का कैमरा मिल जाएगा। और इसमें आपको फुल बेजललेस डिस्प्ले मिलेगा, मतलब टॉप टू बॉटम आपको कोई नॉच नहीं, कोई पंचोल नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ये आएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और ये जो सेट है मतलब Honor 9X, ये चाइना में लॉन्च हुआ था। तो चाइना का लॉन्चिंग प्राइस को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 14,000 में चाइना में लॉन्च हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें इंडिया में शायद 15,000 से 16,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है इस प्राइस रेंज में। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले फ़ोन की तरफ। तो हमारा अगला अपकमिंग फ़ोन है OnePlus 7T और 7T Pro। तो OnePlus 7T के बारे में अभी बहुत कुछ चर्चे चल रहे हैं, आपको शायद पता ही होगा। तो यहाँ पर जो OnePlus 7T में जो स्पेक्स कुछ निकल के आए थे, Snapdragon 855 Plus का प्रोसेसर होने वाला है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि OnePlus 7T Pro में शायद हमें कुछ डिज़ाइन में चेंजेस देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें भी आपको पीछे में थोड़ा सा सर्कुलर डिज़ाइन मिलेगा, मतलब जो कैमरा केसिंग किया गया है उसमें आपको एक राउंडेड सर्कुलर डिज़ाइन में देखने को मिलेगा।
तो मुझे लगता है कि ये वन प्लस एक कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश कर रहा है, तो शायद ये देखने में मुझे पता नहीं कैसा लगेगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा देखने में लग रहा है। और हाँ, यहाँ पर वन प्लस की तरफ से शायद हमें और एक सेट ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको 5G सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये है कि सैमसंग में जैसे आपको मिलता है ना एक अलग सा सेट मिलता है, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S10 5G, मतलब उसमें सिर्फ आपको 5G फंक्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है या फिर 5G फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी शायद वन प्लस का भी ऐसा कोई सेट आएगा, तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद ही हमें शायद सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमारा अगला अपकमिंग फ़ोन होगा Asus ROG Phone 2। तो Asus ROG Phone 2 के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर में एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको हर एक डिटेल्स Asus ROG Phone 2 के बारे में पता चल जाएगा। तो Asus ROG Phone 2 में आपको 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, और जो मेन चीज़ है इस फोन का वो है 120Hz का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, और साथ ही में इसमें आपको 12GB का रैम भी मिल जाता है। तो ये जो फ़ोन होगा ये एकदम पावर पैक फ़ोन होगा, मतलब ये गेमिंग फ़ोन का बाप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक का Asus का सबसे अच्छा गेमिंग फ़ोन यही होने वाला है। और इसी के साथ आपको बहुत सारे और भी नए नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये फ़ोन हमें शायद सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट अपकमिंग फ़ोन की तरफ। तो हमारा लास्ट अपकमिंग फ़ोन है ओप्पो रेनो 2। तो ओप्पो रेनो 2 में जो मेन फीचर है वो है क्वाड कैमरा। क्वाड कैमरा मतलब आपको पीछे में 4 कैमरा देखने को मिलेगा, और सिर्फ यही नहीं, आपको 4 कैमरा ही नहीं, इसमें आपको डबल चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब आप ओप्पो रेनो को इसके साथ कंपेयर करें, उसका जो कैमरा था उसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता था और साथ ही में 10x जूम मिलता था। तो ओप्पो रेनो 2 में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 20x जूम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपको यहाँ पर 20x तक जूम कर सकते हैं। तो पता नहीं ये फ़ोन कितना अच्छा या फिर कैसा कैमरा इसका होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं रोज़ लाता हूँ। और इसी के साथ आपको ओप्पो रेनो 2 में भी शार्क फिन वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो रेनो 2 में आपको सिर्फ कैमरे में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं और भी क्या क्या नया चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। तो कोई भी अगर अपडेट हमें मिलता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।